हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट के वीडियो में हमने अपाची का जो वर्जन ऐड किया था सो वो हमने सक्सेसफुल ऐड कर दिया था। लेकिन इस वीडियो में आज हम क्या कर देखेंगे कि हमारा जो सर्वर है उसको जो अपाची का वर्ड भी आता है ना, मतलब जो भी हमारा वेबसाइट टेस्ट कर रहा है, हैकर हो या कोई भी इंडिविजुअल है, उसको भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम कौन सा वेब सर्वर यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कर्ल, मैं इसका पब्लिक आईपी चेक कर देता हूँ, कर्ल आई एफ कॉन्फिग डॉट एम ई कमांड से। सो ये मेरा पब्लिक आईपी है, अभी मैं टेस्टिंग कर देता हूँ कि मेरा जो अपाची का वर्जन, अपाची का नेम है वो दिख रहा है क्या नहीं। तो आप देख सकते हैं सर्वर के आगे यहाँ पे अपाची दिखा रहा है, मतलब इस सर्वर पे जो भी मेरी वेबसाइट होस्ट होंगी उस सभी वेबसाइट पे मेरा हैकर हो या कुछ, सबको पता चलेगा कि ये बंदा अपाची की यूज़ कर रहा है। तो इसके लिए हमें ए बी नाम हमें हाइड करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो एक मॉड्यूल रहता है उसको हमें इंस्टॉल करना होगा। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके रखा है और उसके स्टेप्स में फॉलो करूँगा। मैं आपको उस डॉक्यूमेंट की यहाँ पे लिंक भी आपको शेयर कर दूँगा, गिटहब पे मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको इसकी लिंक शेयर कर दूँगा। तो पहला जो है लिव अपाची का मॉड सिक्योरिटी एक मॉड्यूल रहता है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे और फिर उसको हम इनेबल कर देंगे। तो इंस्टॉलिंग की कमांड हमने यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर दी है। नेक्स्ट रहेगी जो हम इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के लिए ए टू ई ई एन मोड, ये जो अपाची का कमांड रहती है, सो ए कमांड रहती है, उसको इनेबल करने के लिए सो हमने सिक्योरिटी का मॉड्यूल यहाँ पे एक देख सकते हैं, मॉड्यूल यूनिक आई डी ऑलरेडी इनेबल्ड और सिक्योरिटी डॉट इज ऑलरेडी इनेबल्ड, तो ये जो पहले से इनेबल थे तो यहाँ पे इनेबल कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक अपाची डॉट कॉन्फ में एक सर्वर टोकन का जो लाइन रहती है वो हम ऐड कर देंगे, जो हमने जो मॉड्यूल अभी इंस्टॉल किया उसके रिलेटेड वो लाइन रहती है, मतलब कोड रहता है एक। सो हम उसे यहाँ पे अपाची डॉट कॉन्फ में ऐड करेंगे। तो अपाची डॉट कॉन्फ का पाथ क्या रहता है, /etc अपाची टू के अंदर अपाची डॉट, यहाँ पे अपाची डॉट कॉन्फ फाइल रहती है, यहाँ पे देख सकते हैं अपाची डॉट कॉम पे ही फाइल रहती है। इसका हम पहले बैकअप लेते हैं, कॉपी कमांड से अपाची डॉट कॉम और बी के पी ऐड कर देंगे। तो हमने सक्सेसफुली यहाँ पे बैकअप भी ले लिया है, अपाची डॉट कॉम बी के पी, क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। अब हम उसको वी आई करके उसको एडिट कर देते हैं। आपको एंटर करके यहाँ पे जो फाइल रहेगी उसको आपको यहाँ पे एंड में जाना, चले जाना है। तो मैं अभी ऑलरेडी यहाँ पे एंड में हूँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्पेस, दो स्पेस देके यहाँ पे जो मैंने कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो इसको आपको यहाँ पे उस दर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते ईप मॉडल के और इसके उस पर जो सर्वर टोकन और जो सिक्योर रोल हमने ऑन कर दिए है, तो हम अभी से सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, अपाची सर्वर की कॉन्फिग सेट करनी है और उसको रिस्टार्ट मार देना है। अपाची सीटीएल -t सिंटैक्स यहाँ पे ओके आ गया, तो हमें रिस्टार्ट मारने के लिए अभी कोई भी इशू नहीं है। सिस्टम सेटिल स्टार्ट अपाची टू, अब हम सेम कमांड एग्जीक्यूट कर देते हैं, कॉन्फिग डॉट एम ई पब्लिक आई पी चेक कर लेते हैं, हमने पब्लिक आई पी यहाँ पे निकाल दिया है। अब हम टेस्टिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट टाइम हमें यहाँ पे सर्वर के आगे यहाँ पे अपाची का नाम दिखा रहा था, अभी ये जो अपाची का नाम भी आप यहाँ से चला गया है, मतलब कोई भी हमें अटैकर या हैकर कोई भी हमारे वेबसाइट पे अटैक कर रहा है, इस सर्वर पर प्रेजेंट है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा इस बंदे ने कि अपाची उसने यूज़ किया है या इंजीनियर उसको उसने यूज़ किया है। तो आप यहाँ पे सेम स्टेप्स फॉलो करके आप ये सर्वर पर आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो मैं आपको डॉक्यूमेंट की भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि जिसकी मदद से गिटहब पे अपलोड करके आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो इस वीडियो में, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।